सामुथी राकानी तमिल का टैलेंटेड डायरेक्टर है। तमिल के अलावा भी उन्होंने तेलुगु और मलयालम फिल्मों को भी किया है डायरेक्ट। दोस्तों ब्रो का डायरेक्टर सामुथी राकानी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में जानने के लिए एंड तक की वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। उन्नाई चाराना देन धेन, ये 2003 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जहाँ पर वेंकट प्रभु लीड रोल में नजर आई है। और ये फिल्म उस टाइम तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड भी जीता था, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर टू, निरंजा मनासु, ये 2004 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म जहाँ पर विजय कांत लीड रोल में था और ये भी रहा फ्लॉप। नंबर थ्री, नादुदिगल, ये 2009 में आई एक्शन फिल्म जहाँ पर शशि कुमार विजय वसंत लीड रोल में नजर आई है और इसमें कुछ फ्रेंड मिलकर कैसे अपने फ्रेंड को मदद करने की कोशिश करते हुए इसमें दिखी है। और एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर रियलिस्टिक और लॉजिकल वे से फिल्म को प्रेजेंट की गई है और इसको मिला है ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बजट था 7 करोड़, ये फिल्म दिया है 32 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर फोर, शंभु शिवा शंभु, ये 2010 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म जहाँ पर द मस्त महाराजा रवि तेजा लीड रोल में था और ये नादुदिगल का तेलुगु रीमेक है। बजट था 10 करोड़, ये फिल्म दिया है 18 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा हिट। नंबर फाइव, पोराली, ये 2011 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म जहाँ पर शशि कुमार को और एक बार लीड रोल में नजर आई है और इस फिल्म पर था एक पावरफुल मैसेज। पता दोस्तों बाद में फिल्म को कन्नड़ा भाषा में भी की गई है रिमेक और इसका बजट था 5 करोड़, ये फिल्म दिया है 12 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा हिट। नंबर सिक्स, यारे कोगादली, ये 2012 में आई कन्नड़ा एक्शन फिल्म जहाँ पर था पावर स्टार पुनीत राजकुमार और ये पोराली फिल्म का ऑफिशियल कन्नड़ा रिमेक था जो फिल्म 50 डेज तक थिएटर पर सक्सेसफुली रन किया था, पर ये रहा एवरेज। नंबर सेवन, निमिंधु नील, ये 2014 में आई एक्शन फिल्म जहाँ पर जयम रवि और अमला पावल लीड रोल में नजर आई है। इसमें अरविंदन कैसे सोसाइटी का करप्शन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखी है। बजट था 12 करोड़, ये फिल्म दिया है 32 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा सुपरहिट। नंबर एट, जानते पाई कापिराजू, ये 2015 में आई पॉलिटिकल एक्शन फिल्म जहाँ पर नचेस्टा नानी और अमला पाउल लीड रोल में था और नानी ने अपने कैरियर में पहली बार के लिए डबल रोल प्ले किया था, पर यह फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर नाइन, अप्पा, 2016 में ये रहा ड्रामा फिल्म जहाँ पर सामुथी राकानी ने लीड रोल प्ले किया है और इसमें धायलन कैसे अपने बेटा को इनकरेज करते हुए इसमें दिखी है। और बाद में इस फिल्म को मलयालम भाषा में किया गया था रिमेक और इसको मिला है ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बजट था 4 करोड़, ये फिल्म दिया है 15 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा सुपरहिट। नंबर टेन, थोंडान, 2017 में आई विजिलेंटी ड्रामा फिल्म जहाँ पर सामुथी राकानी ने लीड रोल में था, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर 11, आकाशा मित्ताई, ये 2017 में आई मलयालम फैमिली ड्रामा फिल्म जहाँ पर जयराम लीड रोल में था और इसमें दो डिफरेंट माइंडसेट का फादर का स्टोरी को दिखी है और जो रहा एवरेज। नंबर 12, नादुदिगल 2, ये 2020 में आई ड्रामा फिल्म जहाँ पर शशि कुमार और अंजली लीड रोल में नजर आई है, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना खास नहीं रहा और ये रहा फ्लॉप। नंबर 13, विनोदया सीथम, ये 2021 में आई फैंटेसी कॉमेडी फिल्म जहाँ पर सामुथी राकानी के साथ थाम्बी लीड रोल में था और इसमें थाम्बी का लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को दिखी है और जो फिल्म थिएटर नहीं बल्कि डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुआ था और जो डिजिटली रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 14, ब्रो, और ये अपकमिंग तेलुगु का फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है और ये ओरिजिनल डायरेक्टर सामुथी राकानी का फिल्म विनोदया सीथम का ऑफिशियल रिमेक है जहाँ पर है पावर स्टार पवन कल्याण और साई धर्मतेज और ये काफ़ी हाइप क्रिएट किया है स्पेशली पवन का स्वाग स्टाइल और डिफरेंट रोल देखने के लिए फैंस ने काफ़ी एक्साइटेड है। ब्रो का बजट रखा गई है 60 करोड़ के आसपास
और ये फिल्म काफ़ी ग्रैंड वे से 28 जुलाई 2023 पे होगा रिलीज। तो उसे आपको क्या लगता है ब्रो, बॉक्स ऑफिस पर क्या हीट, सुपर हीट या फिर होगा ब्लॉकबस्टर? कमेंट पे बताइए। नंबर 15 आप्पा 2, और ये डायरेक्टर समुथी का 2016 का सुपरहिट फिल्म आप्पा का होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और इसमें और एक बार समुथी रकानी को एक फ्रेंडली फादर के रोल में नजर आएंगे और अभी फिल्म का स्क्रिप्ट पे काम चल रही है। दोस्तों ये रहा डायरेक्टर समुथी रकानी का अभी तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। तो उस लिस्ट पर समुथी का कौन सी फिल्म आपका फेवरेट है कमेंट पे बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इसके बॉलीवुड साउथ इंडिया मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।